महिला आरक्षण पर महिलाओं के मन की बात क्या है, ये जानने के लिए मैं कुछ महिलाओं के पास आया हूँ। ये सारी महिलाएं अलग अलग वर्ग से हैं और सभी अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर में हाउसवाइफ हैं, घरों घर के परिवार के दायित्वों का निर्वहन करती हैं। क्या सोचती हैं आखिरकार इनके मन में क्या है कि महिला आरक्षण का जो बिल लाया गया है वो महिलाओं के लिए कितना लाभकारी होगा? पहले मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीता नेगी है। ये बताइए नेगी जी कि क्या लगता है जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? भैया इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो कि सब जने ये कहते थे कि क्या कहते हैं महिला तो घर के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती है। आज वो धारणा टूटी है क्योंकि 33% महिला बिल जब पास हुआ है तो महिला आज संसद में भी बैठेगी, समाज भी बदलेगी। क्योंकि आज महिला कहाँ नहीं है, आज महिला जहाज चला रही है, पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहाँ पर ऐसा कोई क्षेत्र बताइए जहाँ पर महिला नहीं है। यही देखते हुए मोदी जी जो हमारे नहीं था कि मतलब हम लोग कमज़ोर माने जाते थे कि हम पे मकान नहीं है, हम पे वो नहीं है। मोदी जी ने जब से 14 में बैठे हैं तब से वो हम लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना देकर हमको इस चीज़ से कर दिया कि हमारा मकान भी, हमारा रजिस्ट्री कराने में जो छूट मिलती है, स्टम्प में जो छूट मिलती है, वो भी हम लोग को दिया जा रहा है। तो आप मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। अगर मोदी जी ने ये विधेयक पास कर दिया तो इतिहास में उनका नाम रच दिया जाएगा और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बात कह रहे हैं कि इतिहास में मोदी जी का नाम हो जाएगा, इतना महत्वपूर्ण है क्या महिला आरक्षण? बिल्कुल महिला आरक्षण बिल्कुल होने चाहिए। जब महिला ही आरक्षण होगी, अच्छी नौकरी पाएगी तो अपने बच्चों को भी अच्छा ऊंचा ले जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी। क्या नाम है आपका? शहनाज नाम है मेरा। शहनाज जी क्या सोचती हैं भविष्य में राजनीति में जाने की कुछ तैयारी? भविष्य में अगर जाएंगे चले जाएंगे, अगर अच्छा हम करेंगे तो जरूर जाएंगे। मौका मिला तो जरूर जाएंगे, ये सोचती हैं कि मौका मिला तो राजनीति में जाएंगी, चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा में बैठेंगी, विधानसभा में बैठेंगी, क्योंकि 33% का रिजर्वेशन है वो नहीं जा रहा है। आपका नाम क्या है? जीनत। क्या सोचती हैं महिला आरक्षण पर? आपका नाम क्या है? जागरण। क्या लगता है महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है कुछ फायदा होगा इसका? होगा नहीं का? अच्छा, किस तरह से बताइए? हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं कभी। आपका नाम क्या है? पूनम कनौजिया। अच्छा, क्या लगता है ये जो इसमें मांग की जा रही है, विपक्षी दल तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है आरक्षण तो लाना चाहिए लेकिन इसमें SC ST का रिजर्वेशन भी फिक्स किया जाना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहें? मेरा ये मानना है कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। मोदी जी ने जो ये आरक्षण पास किया है इसके माध्यम से सभी महिलाएं बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, आगे चल के महिलाएं बहुत अपना नाम करेंगी। महिलाएं अपना नाम करेंगी, महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाएं राजनीति में जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा सिंह है, मैं महानगर मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा। महिलाओं को मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा 33% हो ही गया है आरक्षण, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और मोदी जी हर योजना महिलाओं के लिए ही लाए हैं, ये भी महिलाओं के लिए 33% कर दिए हैं, तो हम लोग को लगता है 100% कर दिए हैं। और अब हम लोग जहाँ 33% में ही 100% मान के चल रही हैं। आपका नाम क्या है? नहीं, मैं रश्मि सिंह हूँ नगर। क्या लगता है आपको कि ये जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है इसका लाभ मिलेगा महिलाओं को? ये बहुत लाभ मिलेगा, जब लाया गया है, बिल पास हुआ है तो जरूर मिलेगा। और आज तक जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का सब संभाला है, अपने हाथ में लिया है, तब से महिलाओं को आज तक वो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है, सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। अब महिला आरक्षण बिल भी ला रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा? देखिए बहुत 100% मिलेगा। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि आज महिलाएं हमारी बहू बेटियां सेफ हैं, बस सबसे अच्छा पॉइंट ये है, महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादातर महिलाएं यही कह रही हैं। आप क्या मानती, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना चौरसिया है। और फ़ायदा तो देखिए, लाभ तो महिलाओं को मिल ही गया है, हर योजना महिला के नाम पे मोदी जी ने कर दी है। और अब विपक्षी जो कह रहे हैं कि ये पिछड़ा वर्ग करके बांट रहे हैं, तो ये केवल उनकी तुष्टिकरण की राजनीति है। पहले ये सभी 3 तलाक का विरोध करते थे, अब उसके बाद में UCC का विरोध करने लगे, तो इनका काम केवल विरोध करना है। मोदी जी जब कोई अच्छी चीज़ लॉन्च करते हैं तो इनका पहले से जो है वो शोर मचाना शुरू हो जाता है कि किस तरह से हम अपना विरोध जताएं। विरोध की राजनीति हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिदा खान है। शाहिदा जी ये बताइए, महिला आरक्षण बिल जो लाया जा रहा है इस पर विपक्ष विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि इसमें आरक्षण में आरक्षण फिक्स किया जाए, क्या मानती हैं आप, क्या लगता है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए। मैं अभी तो पहले महिलाओं को जो ये समानता का अधिकार मिल रहा है और यही 30% अपना करके दिखाएंगी तो हम समाज को बहुत आगे पुरुषों के साथ आगे ले जा सकते हैं। अभी तक ये होता था कि महिलाएँ कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन मोदी जी का मैं बहुत तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस पे बल देके
महिलाओं ये साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में आगे नहीं, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, पुरुषों से कम या पीछे नहीं है। और ये जो ये बांटने की बात कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये विरोध है उनका करना एक तरह से कि लोगों में मतभेद हो और लड़ाइयाँ हो। लेकिन हम बिल्कुल भी, हम महिलाएं ऐसा नहीं चाहते कि ये सब बंटवारा हो, OBC और ऐसी ये सब। शाहिदा जी कह रही हैं कि जब महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं तो राजनीति में पीछे क्यों रहे हैं? आपका नाम क्या है? हेमा डोबरियाल। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल मोदी जी ने देखा है महिलाओं के काबिलियत। पहले महिलाओं को एकदम आखिरी पायदान में रखा जाता था कि घर तक ही सीमित है, लेकिन उन्होंने हर चाहे राशन कार्ड से लेके है, बैंक सखी से लेके बहुत सी सुविधाएं दी है, और अब तो 33% आरक्षण दे दिया है, तो वहाँ पे भी जरूर झंडा गाड़ेंगे संसद में भी। झंडा गड़ेगा महिलाओं का? जी जरूर झड़ेगा, क्योंकि अभी मोदी जी ने कई कौशल विकास योजना है वो भी महिलाओं के लिए, और जो भी बच्चे वैसे हैं जो नहीं कर सकते उन सबके लिए कंप्यूटर का कोर्स करा के और सिलाई कढ़ाई सिखा के उनको सेल्फ डिफेंस, मतलब सेल्फ अपने आप से वो कर सकते, पैरों पे खड़ा करने का जो प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। आपका नाम क्या है? मैं अभी रुचि वाजपेयी। रुचि जी करती हैं आप? मैं भाजपा में हूँ, महानगर शोध प्रमुख महिला मोर्चा। ये बताइए कि आप गृहिणी भी होंगी, राजनीति में भी हैं आप, क्या लगता है जो 33% का रिजर्वेशन लाया जा रहा है, तो ये बहुत सारी महिलाएं हैं, सभी लगभग एक ही बात कह रही हैं कि सब महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, तो अब लोकसभा में विधानसभा में जाने के मौके बढ़ेंगे आपके लिए? बिल्कुल बढ़ेंगे, जब हर क्षेत्र में मौके बढ़ेंगे, और योगी जी मोदी जी आए हैं तो हर क्षेत्र में मौके बढ़ ही रहे हैं, हर सहूलियतें महिलाओं को मिल रही हैं, अब विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन हर क्षेत्र महिलाएं आगे थी और आगे हैं और आगे ही रहेंगी। वैसे भी महिलाएं हमेशा से आगे थीं, पर पहले आगे दिखाया नहीं जाता था, करती सब महिलाएं ही थीं, लेकिन आगे थीं आगे ही रहेंगी। लेकिन एक बात और है, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो ये शर्त डाली गई है कि नया परिसीमन और जो अब जनगणना होगी उसके आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा, यानी अभी तक यही लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए, रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन क्या है, हमें तो मेन समानता का मूल होना चाहिए। पहली बात तो महिलाओं को ये पहली बार एक अधिकार मिला है, तो हम सबके लिए तो बड़ी उपलब्धि यही है कि हम लोग को एक ये अधिकार मिल गया है, तो रिजर्वेशन बात की बात है। दूसरी बात, अगर 2024 की बात आप कर रहे हैं तो जो महिलाएं हैं उनका वोट अगर हम देखा जाए तो मोदी जी के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक महिला, हम लोग घर घर गए हैं, गाँव गाँव गए हैं, एक महिला को मोदी जी के 10-10, 15-15 योजना केवल एक महिला को मिल रही है। अब आप ये सोचिए कि अगर घर की एक महिला को मिल रही, तो घर में अगर 5 महिला है, पांचों को अलग अलग योजनाएं मिल रही हैं, उसको उज्ज्वला भी मिल रही है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, लखपति दीदी वो हो गई, आवास योजना मिली, इज्जत घर मिला है, और मुद्रा योजना मिली, स्वनिधि मिल रही है, तो वो तो लखपति और करोड़पति तो उनका वोट कहाँ जाएगा। जी अच्छा ये बताइए कि जो ये कंडीशन इसमें डाली गई है कि जो जनगणना होगी अभी ताज़ा उसके आंकड़े इसमें देखे जाएंगे और साथ ही साथ नया जो परिसीमन है वो भी इसमें देखा जाएगा, तब रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, तो ऐसे में ये 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है इसमें संभवतः ये जो रिजर्वेशन है ये लागू नहीं हो पाएगा, ये निराश करने वाली बात है। भैया निराश क्या मतलब, चलिए ठीक है, देखिए जो भी है परिसीमन जो आएगा, जनगणना तो होनी चाहिए तभी महिलाओं का उनका आरक्षण मिलेगा, क्योंकि महिलाओं का अगर तब तक जैसे कहा गया है कि जनगणना के बाद ही 2024 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 29 तक तो हमको मिल ही जाएगा ना, हम तो उसमें भी तैयार है कि 29 तक मिले मगर, लेकिन 33% का वोट हमको मिलना चाहिए, हमको सीटें मिलनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, आज नहीं तो कल इसका लाभ जरूर मिलेगा। महिला रिजर्वेशन का जो बिल लाया गया है उसका फ़ायदा महिलाओं को उनके हित में मिलेगा, क्योंकि संसद में, सदन में हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं से जुड़े हुए विषय को उठाने के लिए अब संख्या बल भी बढ़ेगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।